अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अस्सलामुअलैकुम। पिकाचु को देखते हैं कि उसने कुछ खाया हुआ है कि नहीं। सुबह मैंने खिलाया था, अब दोपहर का टाइम। परिंदों की होती है ना थोड़ी थोड़ी, उनका फूड होता है और उनकी अपनी भी होती है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है स्मेल। आपको क्यों नहीं अच्छी लगती? पिकाचु को ढूंढो, बल्कि वो खुद आ गया है। यार सुबह पता है क्या हुआ? सुबह यार मैं ढूंढने आया पिकाचु को, मुझे मिल नहीं रहा था। पूरे मास्टर गेट में मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार कहीं ना कहीं फंसा होगा, मर गया होगा, मेरे जहन में ही था। लेकिन मैंने इधर देखा पीछे, ये जो ईंटे है ना, अब तो मैंने सीधी कर दी है ना। पहले ये ऐसे ऊपर नीचे पड़ी हुई थी, तो पिकाचु उनके अंदर घुसा हुआ था और गुम हुआ हुआ था। फिर मैंने उसको उठाया और इधर छोड़ा। तो अभी इसको देखो, इसने कुछ खाया हुआ है। आपको पता चलता है कैसे देखते हैं? उधर उस रूम में जाओ जहाँ पे हमारी मुर्गी अंडों पे बैठी। देखो बच्चे तो नहीं निकले हुए आज, जो है ना निकलने थे या कल निकलने हैं, पता नहीं, देखते हैं। रेड वाली मुर्गी को देखो ना, उसको टच करो कुछ नहीं कहती। ये बहुत डरती है यार। क्या सही बताओ? अंडे चूचू करते हैं? एक मिनट देखते हैं। इधर आओ जरा। अब गौर से देखो। देख रहे हो उसकी चूच नजर आ रही है यार। अभी यार हम देखते हैं कि हमारे कितने चूजे निकल आए हैं। अभी एक तो नजर आ रहा है मुझे, ये देखें। इससे हटाते हैं इसको, ये निकल आया। फेंक है ये तो। दूसरा अंडा टूटा हुआ है, देखा था आपने? इसके नीचे अंडा टूटा हुआ है। अंडा टूटा हुआ निकला, इसमें से निकला होगा ना। ये टूटा हुआ अंडा देखो, दूसरा अंडा टूट रहा है ना। इसको यहाँ पे रखते जाते हैं ना। दूसरा अंडा टूट रहा है, उसको ये देखें यार। ये पहले चूजा देख लेते हैं हम। ये देखो यार, बहुत क्यूट है। अरे यार तो आपको भी नहीं पता कि निकले हुए हैं, मैं ऐसे ही अचानक से आ गया था। और देखते हैं। ये देखो यार, ये देखो इसके अंदर घुसा हुआ है अंडा। यहाँ से भी निकल रहा है एक। ये देखो ब्लैक है ना, ये ब्लैक है, हल्का हल्का नजर आ रहा है अंदर से। ये खुद बखुद निकल आएगा। ये देखो मैंने बोला था ना आवाज आ रही है। इसको रख देते हैं, ये भी 10-15 मिनट में निकल आएगा, पता नहीं। ओए यार ये तो बिल्कुल ब्लैक है यार। ये देखो वो मेरी नानी पुटरी। ये देखो मशाइन कितना प्यारा है यार। ये वाला तो सबसे प्यारा है, इसकी चोंच तक ब्लैक है। ये देखो मशी, चोंच भी ब्लैक होती है क्या? रेड होती है। हाँ देखो इसकी व्हाइट है, इसकी ब्लैक है। देखो ब्लैक एंड व्हाइट। चलो इसको रख देते हैं यहाँ पर। और देखते हैं। अभी और नहीं आए। ये देखें बिल्कुल, ये तो इस पे भी एक क्रैक आया हुआ है। एक क्रैक इस पे है और इस पे भी क्रैक आया हुआ है। आपको शायद नजर ना आ रहा हो लेकिन क्रैक आए हुए हैं। हम दोबारा इनको वापस रख देते हैं, ये ना हो कि परेशान हो जाए। ये लड़की है, लड़का। कौन? ये मुर्गी? तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम पागल हो। अभी यार एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हम अभी बाहर जाते हैं और तुराब को बताएंगे और थोड़ी देर बाद दोबारा ऊपर आएंगे। और जब तक ये हमारे बाकी के चूजे भी निकल आ चुके हैं, तब तक वो जो जिसके ऊपर वो नहीं आई थी चूज, वो भी निकला, सारे निकल आएंगे। चलो चलो यार, बहुत अच्छा लगा यार ये तो देख के। तो हम थोड़ी देर में दोबारा आते हैं और इनको चेक करते हैं, और इनको जो खिलाना पिलाना होगा वो भी खिलाएंगे पिलाएंगे, देखेंगे क्या करना है इनका। तो अभी नीचे चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो यार मैं तकरीबन 1.5 घंटे बाद दोबारा ऊपर आ रहा हूँ। अब चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो आपको अभी तक मैंने नहीं बताया, मैंने कहा एक साथ बताऊंगा, जब बहुत सारे चूजे निकल आएंगे ना फिर बताऊंगा। अभी मैं दोबारा अंदर जाता हूँ और मैंने इस दरवाजे को भी बंद कर दिया था ताकि ना कि चूजे बाहर निकल आए, और चलते 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 इसके अंदर चले जाएं और पिछले हमारे चूजे की तरह इसको भी ये वाला कबूतर मार दे। तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था, मैंने इसको हल्का सा बंद कर दिया था। अब खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने चूजे निकल आए हैं। हाँ जी, ये क्या बात हुई भाई, एक तो और कम से कम निकल आता यार। जिसकी चूंच नजर आ रही थी ना वही अंडा देखता हूँ मैं, शायद निकला। ओए ओए, एक और अंडा टूटा हुआ है यार। इसका मतलब एक और बच्चा भी निकला हुआ होगा। तो देखते हैं यार वो कौन सा बच्चा है। ये देख रहे हैं आप, ये अंडा टूटा हुआ है एक और। जो पहले टूटे हुए थे ना दो अंडे, मैंने यहाँ पे रख दिए थे। ये देखें तीसरा अंडा भी आ गया, छिलका। अब ये तो अभी निकला है यार, ये भी ब्लैक है। माशाल्लाह माशाल्लाह,
देखते हैं यार, किस साइड पे रख देता हूँ मैं। ऐसे रखता है जैसे अभी अभी निकला है, बिल्कुल गीला है यार ये, अभी से मुझे फील हो रहा है। इसको गर्मी ना लग रही हो यार, ये पसीना तो नहीं है इसका। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके ऊपर बिठा देता हूँ मैं। ये देखें यार कितना प्यारा है, अभी तो फुल गीला है, इसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये भी ब्लैक है, ये सेम टू सेम एक जैसे हुए हैं, ये वाला और ये वाला। तो तीन बच्चे हमारे निकल चुके हैं और कितने रहते हैं, चार रहते हैं। तो जब तक मैं तुराप को बुलाता हूँ, ये वाले देखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा आएंगे और इनको कुछ खाना वगैरह भी रखेंगे और देखेंगे कितने निकलते हैं, चेक करते हैं। बात सुनो, ऊपर आओ, एक चीज़ दिखाऊँ, जल्दी आओ। चलो तो सही, दरवाजा तुम ये लो, कैमरा लो, खुद क्या लो, क्या कहा मैंने यार, बता दो ना मुझे, मैं जा यार पता नहीं अब सिप्तान मुझे क्या दिखाना चाह रहा है। वो इधर तो मुझे खास कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई कबूतर तो नहीं आ रहा आया हुआ घर में, यहाँ पर नहीं है कुछ। और ये दिखाना चाह रहा था, माशाल्लाह दोस्तों यार कब से देख रहे हो तुम? मैं इसको दो चार घंटे हो गए, ये देखो कुछ निकल आए हैं, कुछ अंदर है, कुछ बच्चे हैं। अच्छा हो गया यार, माँ बन गई है। जी माँ तो, हाँ मैंने भी देखा है। यार एक काम करते हैं, अभी वापस आते हैं, फिर दोबारा आएंगे जब पूरे निकले होंगे, या देखेंगे कितने निकलते हैं आज के दिन के। गुड हो गया यार, मजा आ गया। तो यार जब तक हम लक्की कबूतर के बच्चे भी देख लेते हैं। मैं कहता हूँ जल्द से जल्द इनका पूंछ, वो बड़े वाला पूंछ निकला है, बहुत अच्छा लगता है। ये निकल रहा है भाई इनका पूंछ भी, ये देखो यार दूसरे का बड़ा पूंछ है, ये देखो नहीं बराबर है, ये बड़ा है थोड़ा सा, है ना, इसका पूंछ बड़ा है उसका थोड़ा सा छोटा। अरे वाह माशाल्लाह। अच्छा इसका अपनी माँ की तरह ना, इसका ये जो चोटी होती है ना, ये निकल रही है, देखे इसका हेयर स्टाइल बन रहा है, क्यूट है यार, बहुत क्यूट है। रखो यार, नहीं एक मिनट देखने तो, माशाल्लाह कब तक बड़े हो जाएंगे? तो आप ये हो, अभी महीना लगेगा इनको, एक माह के बाद ये फुल फ्लाई करेंगे अपने, फिर ये बच्चे भी देंगे अपने। हाँ तो यार क्यों नहीं देंगे, नहीं देंगे, अंडे देते हैं, ये अंडे देते हैं, इतना नहीं पता तुम्हें। अंडे देंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ? ये क्यों आ गया यार इधर? हटो, काम कर रहा था यार इनको, वो गंजी मुर्गी अंडा भी लेके गई इसका शेल था। हाँ उसका शेल लेके भाग गई। खैर हमने क्या करना है, खाना थोड़ी है, ये खाएंगे क्या? ये लो, नहीं खाते होते, नहीं खाते होते। इसमें से आवाज आ रही है, ये देखो इस पे भी आया हुआ, सब पे आया हुआ यार, अभी नहीं निकले सिपी, अभी टाइम रहता है यार, शायद रात को निकल आएंगे, सुबह फिर देखेंगे। पहले जब निकली थी ना अंडे में से, आपको याद होगा, इसी तरह से छोटा सा चूजा था ये, अब माशाल्लाह अब अपने बच्चों को पाल रही है ये, बहुत यार अच्छा लगता है देखकर, तो आपको भी यकीन अच्छा लगता होगा दोस्तों। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, पसंद लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में दियात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें यार, ताकि हमारी जल्दी से बड़ी सी आर्मी हो जाए और हम सबसे एक अलग अपनी पहचान रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, अभी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।